सीमा पर पाकिस्तान को उसकी हरकतें तब भारी लगने लगी जब भारतीय सेना ने उसकी चौकियों को तबाह कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना सीमा पर लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही थी। इस बार भी उसने राजौरी जिले के तरकुंडी सेक्टर में भारी गोलीबारी की, जिसमें भारतीय सेना का एक नायक शहीद हो गया। फिर क्या था, बदले की आग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की दो चौकियों को तबाह कर दिया गया, साथ में मेजर रैंक के अधिकारी समेत 5 सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से इन दिनों लगातार गोलीबारी जारी थी, लेकिन भारतीय सेना उस वक्त गुस्से में आ गई जब उसकी तरफ से दागा गया एक मोर्टार सेना की चौकी पर आकर गिर गया, जिसमें नायक गुरुचरण सिंह निवासी गुरदासपुर शहीद हो गए। इस दौरान सेना का एक जवान और छुट्टी पर घर आया पुलिस का जवान निमायतुल्ला भी घायल हो गए। पाक गोलीबारी में नक्का पंजग्राई नक्का तरकुंडी में 4 मवेशी मारे गए और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने में जुटा हुआ है। रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर मोर्टार भी दाग रहा है ताकि वो भारतीय सेना और भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोगों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन इस बार उसे अपनी ये गलती भारी पड़ गई। भारतीय सेना ने अपने जवान की शहादत का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तानी सैनिकों में कोहराम मच गया। लेकिन ये तो पाकिस्तान है कि जिसकी फितरत बदलने वाली नहीं है। अपने सैनिकों की जान गंवाने के बाद भी पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी जारी रखी। पुंछ जिले की मेंढर तहसील के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलीबारी की जो रात तक जारी रही। कई गोले गांव में भी गिरे जिससे दहशत फैल गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही और वहीं दूसरी तरफ कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बार बार गोलीबारी करता रहा। पाक रेंजरों ने करोल माधुरिया करोल कृष्णा गांवों में भी भारी गोलीबारी की। बीएसएफ की 19 बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं पुलिस के विशेष अभियान दल और चखड़ा पुलिस ने घुसपैठ के मद्देनजर क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चला रखा है ताकि घुसपैठ करने आए आतंकियों को खोजकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।